नमस्कार, सुपर किचन में आपका स्वागत है। आज मैं गोभी के पकोड़े बिल्कुल नए तरीके से बनाने जा रही हूँ, जिसे अगर घर में आप बनाएंगे तो सब कोई मांग मांग कर खाएंगे और इसे हमेशा फरमाइश रहेगी कि आप इसी तरह बनाइए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने एक फूल गोभी लिया है। अब इसको हम सारे पार्ट्स को हटा देंगे, ये जो पत्ते वाले हैं, और इसके डंठल को भी हटा देंगे। अभी ये सब फूल को हम अलग अलग करेंगे। इस तरह से सारे फूल को हम अलग कर लेंगे। ये देखिए हो गया है। अब ये जो पीछे का ये डंडे हैं, ये मोटे मोटे, ये पकते नहीं हैं जल्दी, इसको हम दो पार्ट में भाग कर लेंगे इस तरह से, ताकि ये जब हम पकोड़े तलेंगे तो आसानी से ये अच्छे से तल जाए, कोई भी कच्चापन ना लगे। ये देखिए इस तरह से बस काट के इसी में छोड़ देना है, अलग नहीं करना है। ये देखिए कट गया है। अब इसको हम गर्म पानी में इस तरह से बॉयल कर लेंगे। बस 2 मिनट के लिए इसको हमें बॉयल करना है, और आधा चम्मच में नमक डाल देंगे और 2 मिनट के लिए इसको बॉयल कर लेंगे, ताकि जो भी वॉर्म्स हों वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए 2 मिनट हो गया है। अब इसको हम छान लेते हैं। अब इसका सारा पानी हम निकलने देंगे। ये देखिए, मैंने भुट्टे के दाने लिए हैं कटोरे। अब इसको हम जार में डालकर पीस लेंगे। इसमें 2-3 मिर्च हम डाल देंगे, हरी मिर्च। ये देखिए, अब इसी में थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेंगे, बारीक पीसना है इसको। ये देखिए पीस लिए। अब देख लीजिए कितना हमारी बारीक पीस गया है। अब इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। ये देखिए निकल गया है। और इसी में हम 3 चम्मच बेसन डाल देंगे, क्योंकि ये जो मक्के के दाने हैं ये थोड़ा रूखा होता है, इसीलिए हम थोड़ा सा बेसन डाल देंगे, ताकि अच्छे से ये कोटिंग हो जाए। इसी में 1/2 चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देंगे, और नमक स्वाद अनुसार, और ये थोड़ी सी हल्दी, और 1/2 चम्मच गरम मसाला। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। ये देखो थोड़ा सा थिक लग रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी हम और डाल देंगे। ये देखिए अब बिल्कुल इसी तरह हम फेंट लेंगे थोड़ा सा। अब इसी में हम थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। और इसी में हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और मिला लें अच्छे से। ये देखो बिल्कुल हमारा बढ़िया बैटर तैयार हो गया है। अब हम थोड़ा मसाले बना लेते हैं। ये गोभी में हम कोटिंग करना है हमको। ये देखिए 1 चम्मच गरम मसाला, और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, और नमक स्वाद अनुसार। बस इसको हम तीनों को अच्छे से मिला लेंगे, और इसी से हम गोभी की कोटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से मिलाना है। अब ये देखिए, ये जो मसाले हैं, इस तरह से हम गोभी में हम लगाते जाएंगे, ताकि जब हम पकौड़े तलेंगे तो अंदर से भी चटपटा लगेगा और बाहर से भी चटपटा लगेगा। ये देखिए इस तरह से अच्छे से लगा लेंगे। इसी तरह सारे गोभी में हम मसाले को फटाफट से लगा लेंगे। इस तरह से पकौड़े आप बनाइएगा, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। आप चलिए इसको कोटिंग करके बस फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से तेल गरम हो गया है, मीडियम फ्लेम में इसको हमको फ्राई करना है। देखिए इस तरह से पकौड़े बनाने से अंदर बाहर सब तरफ से ये चटपटा लगेगा और ये बहुत मस्त लगेगा। ये देखिए अब इसको हम गोल्डन कलर में इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कलर अच्छा आने लगा है। ये देखिए मस्त हमारा पकौड़े फ्राई हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा पकौड़ा तैयार हो गया है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।